अब देखिए यहां पर अपन लिखते हैं ये संतोष। अगर इस अनुस्वार को नीचे लेकर आएंगे तो ऐसा बनेगा, ये संतोष। मतलब इस अनुस्वार की जगह पर क्या आया? नया। लेकिन जैसे हमने लिखा संजय, तो क्या संजय में भी इस अनुस्वार के स्थान पर नय ही आएगा? नहीं, यहां पर नय नहीं आएगा। इसके लिए देखिए, जिस अक्षर पर अनुस्वार लगा हो उसके अगले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर अनुस्वार के स्थान पर आएगा। जिस अक्षर पर अनुस्वार लगा हो, जैसे अनुस्वार कहां पे लगा है? ये से पर लगा है। उसके अगले अक्षर के वर्ग का, अगला अक्षर क्या है? जे। अगले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर, तो वर्ग कौन सा हो गया इसमें? जे। चय वर्ग के अंतर्गत आ गया। चय वर्ग में पांच वर्ण आएंगे, चय, छय, जय, झय, ये। अब इसका पांचवा वर्ण हुआ ये। तो ये जो समझे लिखेंगे अपन, नीचे अनुस्वार को लाएंगे तो इस तरह से लिख पाएंगे। हर जगह नए नहीं आएगा। आमतौर पे धारणा होती है कि ये अनुस्वार का मतलब नए ही होता है। अनुस्वार का मतलब नए नहीं होता है, अनुस्वार का मतलब ये पांच वर्ण होते हैं। कौन कौन से पांच वर्ण? ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये पांचों वर्ण रहेंगे जो अनुस्वार के स्थान पर आएंगे। और अलग अलग इनकी शर्तें हैं कि कैसे कैसे ये आएंगे। ये इनका सबका एक नियम है कि जिस अक्षर पर अनुस्वार लगा हो उसके अगले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर अनुस्वार के स्थान पर आ जाएगा। वर्ग पांच होते हैं, क, च, ट, ते और प। ये पांच वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों के अंदर पांच पांच वर्ण आएंगे और इनका जो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है, वो अनुस्वार के रूप में यहां पर आएगा। जैसे हमने लिखा पंप, पंप लिखा तो अनुस्वार किसके ऊपर है? पै के ऊपर। पै के ऊपर अनुस्वार है, तो कौन सा वर्ग आ गया? पै वर्ग आ गया। पै वर्ग के अंदर पांचवा अक्षर बनता है मै, तो हम इसको लिखेंगे पंप इस तरह से। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिख दिया है दिनांक, तो दिनांक लिखेंगे तो अनुस्वार किस पर आया? ना पर आया। ना के अगला अक्षर क, क का मतलब क वर्ग, क वर्ग का अंतिम अक्षर ङ, तो ये आ जाएगा दिना, ये आ गया पांचवा अक्षर और दिना। ऐसे ही हम संचित लिख सकते हैं, संचित, संचित में भी ऐसा होगा, ये आएगा क्योंकि अनुस्वार के बाद में चय है, चय का अंतिम वर्ण जो है ये होता है। इसको लिख लो, उतार लीजिए, बहुत काम की चीज है।